अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों को स्कार्फ पिन बनाना बता रही हूँ। और इसके लिए जो सामान चाहिए होगा उसके अंदर है स्मॉल साइज ग्लास बीड्स, पर्ल बीड्स, क्रिस्टल, इसमें यहाँ पे ऊपर की तरफ होल है एक। इसके अलावा जेंट्स बुकरम, इसको मैंने सर्कल शेप में कटिंग करा है डबल करके। इसका साइज आप अपनी मर्जी से जो रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके अलावा है स्कार्फ पिन क्लिप, थ्रेड एंड नीडल, सीजर। थ्रेड को मैंने नीडल में डाल के डबल करके नॉट लगाई है। के बिल्कुल सेंटर में पहले हमें ये बीट लगाना है। इसको मैं 2 से 3 बार स्टिच कर रही हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से यहाँ पे फिक्स हो जाए। इसके पास से सुई को बाहर निकालेंगे। यहाँ पर हम 2 मोती लेंगे और 1 क्रिस्टल लेंगे और इधर कॉर्नर के पास से सुई को अंदर ले जाएंगे। इसी तरीके से थोड़े थोड़े फासले पर बीड्स के साथ क्रिस्टल को लगाते जाएंगे। ये फ्लावर हमारा रेडी है। अब यहाँ अंदर की तरफ क्रिस्टल लगाएंगे और क्रिस्टल को लगाते वक्त यहाँ पर अब पहले हम क्रिस्टल लेंगे और उसके बाद मोती लेंगे। अभी जो मैंने ये सर्कल बनाया था इसके अंदर मैंने पहले 2 ग्लास बीड्स लिए थे, उसके बाद मैंने क्रिस्टल लिया था। लेकिन अब जब अंदर वाली लेयर हम बनाएंगे तो उसके अंदर पहले क्रिस्टल लेंगे, उसके बाद 1 ग्लास बीड लेंगे, और यहाँ अंदर की तरफ करीब ही छोटा सा स्टिच लेके इसको कवर कर देंगे। यहाँ पे मोती हम बाद में इसलिए लेंगे ताकि ये वाला जो हमारा क्रिस्टल है ये बिल्कुल फ्लैट ना हो। ये फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसको बैक साइड पर ले जाके धागे को अच्छी तरीके से यहाँ से इसको लॉक कर देंगे।
ये देखें, ये फ्लावर हमारा बिल्कुल कंप्लीट है। अब इसके बैक साइड के ऊपर स्कार्फ पिन क्लिप को ग्लू गन की मदद से, हॉट ग्लू मेल गन की मदद से इसके साथ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए, ये स्कार्फ पिन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये इसका बैक साइड है, ये इसका फ्रंट है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।